जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज तक आपने हमारे चैनल पे नए नए पीसी बिल्ड देखे होंगे, विंडो कैसे डालनी है वो देखे होंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह सारी चीज़ें आपने देखी होगी। लेकिन आज हम आपके लिए थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके आए हैं कि आपने जैसे एक बिल्ड भी कर लिया और उसमें विंडो भी डाल ली। अब कई बार क्या होता है कि जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे हमारे ये विंडो 11 10 है, आप 11 लगाओ कुछ भी लगाओ, जैसे आप कोई भी काम करने जाते हो, जैसे पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना हो या कुछ भी, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो लिखा हुआ आ जाता है नीड एक्टिवेट विंडो। ठीक है, अब ये कैसे आता है? दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ये कॉर्नर में इस साइड में यहाँ पर एक वाटर मार्क लिखा हुआ आ जाता है, विंडो एक्टिवेट करो। तो कई भाई लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं कि सर ये क्या आ रहा है, तो ये नॉर्मल चीज़ है कि हमें विंडो एक्टिवेट करनी पड़ेगी। अब विंडो एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मार्केट से हम या तो ऑफिशियली जो विंडो की साइट है वहाँ से हम की खरीद लेते हैं, तो इसमें जैसे लगाएंगे एक्टिवेट हो जाएगी, या फिर पर आप जैसे एक्टिवेशन में डालोगे यहाँ पर डाल के या नीचे कहीं पर भी ऑप्शन आ जाता है चेंज प्रोडक्ट की, यहाँ पर जैसे ही आप पेस्ट करोगे आपकी विंडो एक्टिवेट हो जाएगी, फिर आपके जो भी एक्स्ट्रा फीचर है वो खुल जाएंगे। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको ख़रीदने से मना क्यों कर रहा हूँ? इसकी सबसे ख़राब बात ये है, जैसे मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने ये ख़रीदी थी आज से आपको पूरा एक्सपीरियंस, आप देख सकते हो मैंने ये एक की ख़रीदी थी 399 रुपये में, विंडो 11 की, सितंबर 17 2023 को। ठीक है, और ये प्रोडक्ट की भी आप देख सकते हो मेरे तो अब कोई काम की रही नहीं है। क्यों नहीं रही ये भी आपको बताऊंगा, ये की अब कोई काम की नहीं रहती है, एक बार यूज़ होती है उसके बाद यूज़ नहीं होती। अब ये मेरे यूज़ क्यों नहीं आ रही है इसका एक रीज़न आपको बताता हूँ, और मैंने आपको ख़रीदने से मना क्यों किया है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे हम इन सबको काट देते हैं और आपको बताता हूँ कि जैसे अब हमने इनमें से कोई भी चीज़ ख़रीदी, ठीक है, अब क्या होगा कि आपका जैसे कोई भी मदरबोर्ड है, कोई भी प्रोसेसर है, जैसे अपने सीपीयू में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, एसएसडी, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब ये वर्क कब तक करेगी? आप चाहे विंडो कितनी बार डालो और वापस से उड़ा के वापस से नई विंडो इंस्टॉल कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये वापस से उसमें की डालोगे एक्टिवेट हो जाएगी। दिक्कत कहाँ आएगी? जैसे ही आपने अपना प्रोसेसर अपग्रेड किया या फिर मदरबोर्ड अपग्रेड किया, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपने अपग्रेड की, ये आपके लिए निल है, यानी ये गई। ये क्या होता है कि आप ओईएम की समझ सकते हो एक तरह की, लेकिन ओईएम की भी क्या होता है, मदरबोर्ड के ऊपर रहती है। प्रोसेसर आप चेंज भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मदरबोर्ड के ऊपर कोई भी अगर आप प्रोसेसर लगाओगे तो एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन इन की खास बात यही है कि इनको बस एक बार यूज़ कर सकते हो आप, यानी एक ही सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, जिस प्रोसेसर और मदरबोर्ड के साथ है, आपने सबसे पहले इसको एक्टिवेट किया है, ये लाइफ टाइम उसी में चलेगी। और दूसरी सबसे ख़राब बात यह है कि जैसे आपने देखा होगा पहले अपने सिम वगैरह आया करती थी जिसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आती थी, लेकिन आज हमें सबको रिचार्ज करना पड़ता है, तो इसकी कितनी वैलिडिटी है पता नहीं, इसमें लिखा हुआ तो लाइफ टाइम है, लेकिन अब जैसे विंडोज 7 का एंड हो चुका और विंडोज 10 भी ये 2025 के अंदर आते आते जनवरी में ही वो एंड हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह कभी ये विंडो 11 भी एंड होगी तो ये की भी आपकी ख़त्म है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, आप सस्ती वाली लेते हो तो, लेकिन एक चीज़ तो है कि अगर आप सस्ते में मज़ा ले सकते हो पूरा, जैसे इसके जितने भी फीचर्स हैं आप सबका यूज़ कर सकते हो, और कोई ये पायरेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कैसे भी यूज भी कर सकते हो, लेकिन बस आप 200 300 रुपये जो भी लगा रहे हैं इनके ऊपर, वो ये सोच के लगाएं कि जैसे आपने कोई भी अपग्रेड किया ये आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप इसको ख़रीद सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी है तो हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।